हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मीडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईएनएम में कैसे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, क्या आपको कीवर्ड देखना है सिनेरियो में जिससे कि आप अपने राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंचोगे। गाइस क्या है ना, आज के टाइम पे टाइम को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन में ही काफी टाइम ले लेते हैं। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे, क्या ट्रिक आप यूज करोगे, वो सब मैंने आपको आगे बताया है कि आपको क्या कीवर्ड देखना है सिनेरियो में जिससे आप राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच पाओगे। तो गाइस विदाउट गेटिंग एनी डिले हम वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम आंसर तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे, क्या अपन को चेक करना है, क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिनेरियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिले मेरी वीडियो से। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे जिससे कि आप राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन लोगों ने देख लिया था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पेडियाट्रिशियन इज आस्क्ड टू बी इन द रूम ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी एट रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशन। द पेडियाट्रिशियन इज इन द रूम फॉर 45 मिनट्स। द बेबी इज बॉर्न एंड इज कम्प्लीटली हेल्दी, नॉट रिक्वायरिंग एनी सर्विस ऑफ पेडियाट्रिशियन। व्हाट सीपीटी रिपोर्टेड टू बी कोड। यहाँ पे हमें पेडियाट्रिशियन के लिए कोड करना है, ठीक है। तो देखिए पेडियाट्रिशियन ने यहाँ पे कौन सी सर्विस दी है, यहाँ पे उसने कौन सी सर्विस दी है, स्टैंड बाई सर्विस, ठीक है। पहला ऑप्शन देखोगे 9922, ये जो कोड है वो किसके लिए है, वो है अपना किसके लिए, इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इनिशियल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे वो तो है नहीं, तो हम सीधा ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी अपने पास है ऑप्शन बी, वो है हमारा 99252, ये किस लिए यूज करते हैं हम, कंसल्टेशन के लिए। तो यहाँ पे कंसल्टेशन भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम अपना ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन सी एंड नाउ वी हैव ऑप्शन डी। ऑप्शन सी और डी ये किसके लिए होते हैं, स्टैंड बाई सर्विस के लिए। और जो हमारी स्टैंड बाई सर्विस का यहाँ पे क्या है कीवर्ड, वो है हमारा कि वो रूम में रुकने के लिए उसको बोला गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे कितनी देर का उसने सर्विस दी है रूम में, 45 मिनट्स की, ठीक है। अभी जो स्टैंड बाई सर्विस है 99360, अगर आप वो कोड देखोगे तो ये होती है 30 मिनट्स के लिए, ये होती है 30 मिनट्स, ठीक है। मतलब कि 30 मिनट्स होना चाहिए पूरा, जब भी हम इसको एक बार कोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा टोटल टाइम दे रखा है कितना, 45 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन डी हम क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि 30 मिनट्स टोटल होना चाहिए। अगर अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ पे 60 मिनट्स कम से कम होना चाहिए था। अगर 60 मिनट होता है यहाँ पे स्टैंड बाई सर्विस टाइम, जब हम ऑप्शन डी को चूज करते, बट यहाँ पे 45 मिनट्स है, इसीलिए वी आर गोइंग विद ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है गाइस। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, डॉक्टर जैन एडमिटेड अ 67 ईयर ओल्ड वुमेन टू द कॉरोनरी केयर फॉर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द एडमिशन इंक्लूड हाई कॉम्प्लेक्सिटी MDM. Dr. Jain visited the patient on day 2 and 3 and document each day and decision making kya tha moderate, ठीक है। On day 4 Dr. Jain moved patient to the medical floor and documented straightforward making. Day 5 Dr. Jain discharged the patient to home. The discharge took over an hour. How would you report the service from day 1 to day 5? देखो गाइस इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि डिस्चार्ज कौन सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज कोड अपने को कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 99238 और 99239, ये हमारे हॉस्पिटल डिस्चार्ज कोड होते हैं डिफरेंट डे पे, ठीक है। और ये टाइम बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो हमारा 99238 है वो लेस देन 30 मिनट के लिए हम कोड करते हैं, जब भी लेस देन 30 मिनट में डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पे हम 238 वाला कोड करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, एक घंटा ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कोड है 99217 ये डिस्चार्ज का तो है नहीं, एस्टेब्लिश ऑफिस का कोड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी वी कैन एलिमिनेट डायरेक्टली, कैसे, हमने केवल डिस्चार्ज कोड को चेक किया। वी हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अभी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। वो कैसे गाइस, देखिए जो टाइम है ना एक घंटा है, ठीक है। एक घंटे से कितना भी टाइम हो, एक घंटा 10 मिनट हो या एक घंटा 20 मिनट हो, कितना भी हो, उस समय पे हम एक ही बार कोड करते हैं 99239। यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम जो डिस्चार्ज कोड है उसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक घंटे से ज्यादा कितना भी हो, लाइक 3 घंटे हो, 3.5 घंटे हो, कितना भी हो, तो वन टाइम वी हैव टू कोड लाइक 99239। तो इसी एक कोड से हम अपने राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले डिस्चार्ज कोड चेक करिएगा, ठीक है। डिस्चार्ज कोड के अकॉर्डिंग आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे और राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एंड्रिया अ 52 ईयर ओल्ड पेशेंट हैड अ हिस्टेरेक्टॉमी ऑन मंडे
मॉर्निंग एट आफ्टरनून आफ्टर रिटर्निंग टू द हॉस्पिटल सी सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट रेस्पॉन्डेड टू अ कॉल एंड डिलीवर वन आवर 35 मिनट क्रिटिकल केयर सर्विस ड्यूरिंग दिस टाइम कार्डियोलॉजिस्ट ऑर्डर सिंगल चेस्ट एक्स एंड प्रोवाइड वेंटिलेशन मैनेजमेंट हाउ वुड यू रिपोर्ट दिस कार्डियोलॉजिस्ट सर्विस। देखिए ये क्रिटिकल केयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्रिटिकल केयर क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये देखना है आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है, ठीक है। अभी ये क्या है, पेशेंट हमारे यहाँ पे आउट पेशेंट है, तो आउट पेशेंट के टाइम पे अपन लोग क्या कोड करते हैं 99291 एंड 99292 हमेशा, जब भी आउट पेशेंट होगा हम इसको कोड करेंगे बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है गाइस। अभी देखो ऑप्शन ए में दे रखा है 99291 एंड 99292, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल केयर सर्विस के टाइम पे डॉक्टर ने क्या करा है, चेस्ट एक्सरे भी किया है, ठीक है, और वेंटिलेशन मैनेजमेंट भी किया है, ठीक है गाइस। तो इनको हम अलग से कोड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्रिटिकल केयर सर्विसेज होती हैं उनमें कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो बंडल होती हैं, तो ये दोनों जो सर्विसेज हैं वो बंडल हैं, इसीलिए हम इनको सेपरेटली कोड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में 99291 एंड 99292, दूसरा ऑप्शन है 71405 एंड 94002 एंड 99231। देखो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आउट पेशेंट सर्विसेज में हमेशा अपने को क्या कोड करना पड़ता है, अपने को कोड करना पड़ता है 99291 एंड 99292, ठीक है। ऑप्शन बी में 99291 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव ऑप्शन सी एंड डी। अभी देखो सी हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये जो कोड है ना 71450 और जो 94002, जब भी आप क्रिटिकल केयर सर्विसेज देखोगे ना तो ये दोनों कोड्स ऑलरेडी बंडल होते हैं, तो इसको भी हम सेपरेटली कोड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए। देखो हमारा टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 आवर 35 मिनट्स, ठीक है। अभी हमें इसके हिसाब से टाइम चेक करना पड़ेगा, तो गाइज बुक में देखिएगा, बुक में यहाँ पे क्या है, हमारा टाइम कितना था 1 आवर 35 मिनट, तो उसका मतलब कितना हो गया टोटल 95 मिनट्स, और ये कोड हमारा 95 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या कोड होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 99291 एंड 99292, ये बुक में दे रखा है। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और देखो ये जो क्रिटिकल केयर सर्विस है ये ऑलरेडी बंडल होती है, इनको हम सेपरेटली कोड नहीं करते, इसीलिए ऑप्शन सी था उसको एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि ये सर्विसेज ऑलरेडी बंडल है, इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बुक में दिखाया था 99291 एंड 99292, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो गाइस अगर आपको ये कंसेप्ट और क्लियर करना है ना, तो मैंने इस पे एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है क्रिटिकल केयर क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं 14th क्वेश्चन की, 14th क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस क्या कह रहा है। स्टीला इज अ 53 ईयर ओल्ड फीमेल एस्टेब्लिश पेशेंट विद COP। देखो गाइस ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पेशेंट है वो न्यू है या एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अभी देखो जो कोड है यहाँ पे हमारा पेशेंट क्या है, एस्टेब्लिश पेशेंट है ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या है, ये न्यू जो ऑप्शन ए है, और ऑप्शन डी है ये किसके लिए कोड्स होते हैं, ये होते हैं न्यू पेशेंट्स के लिए, तो ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। वो कैसे, हमने यहाँ पे ये चेक किया है कि यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है वो एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो इसी बेस पे हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया। नाउ अपने को क्या देखना है, अब अपने को ऑप्शन बी और सी के हिसाब से क्या चेक करना है, केवल एमडीएम चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एमडीएम वी विल गेट अवर राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एमडीएम चेक करेंगे, तो एज पर एमडीएम हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। जो ऑप्शन सी है वो होता है हाई एमडीएम के लिए, वो कैसे, जब भी देखो हाई एमडीएम, और वो हाई एमडीएम हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं है कि पेशेंट को एडमिट किया है डॉक्टर ने, अगर यहाँ पे पूरे सिनारियो में कहीं भी ऐसा रहता कि पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो एट दैट टाइम हम अपने को क्या कोड करते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट एमडीएम तो दिया नहीं है, हमें निकालना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनारियो में ऐसा अवेलेबल नहीं है कि पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो हम ऑप्शन सी को भी ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है उसको एडमिट तो किया नहीं है, उसको एडमिट नहीं किया है, अगर एडमिट करता तो हमारा हाई एमडीएम, बट यहाँ पे कहीं भी एडमिशन हो ही नहीं रहा है, तो वी आर कोडिंग 99213। इसी तरीके से आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो उससे आप अपना टाइम भी काफी मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। अभी देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, बिल अ रिटायर्ड यूएस एयरफोर्स पायलट वॉज एन ऑब्जर्वेशन स्टेटस फॉर 12 आवर टू एक्सेस द आउटकम ऑफ फॉल फ्रॉम द बैक ऑफ पिकअप ट्रक इन टू ग्रेवल पिट। द पेशेंट डिस्चार्ज बिल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन सेम डे आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट नो फर्दर मॉनिटरिंग ऑफ हिज कंडीशन वॉज नेसेसरी। द पेशेंट इंडिकेट दैट द एमडीएम वॉज लो। यहाँ पे क्या है, एमडीएम लो है। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया हमें क्या कोड करना है, हमें कोड करना है डिस्चार्ज, हमें ऑब्जर्वेशन डिस्चार्ज को
कोड करना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्चार्ज कोड अपने को कोड करना है, क्योंकि जो 99222 है और 111 है, ये क्या है, इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन और इनिशियल ऑब्जर्वेशन के कोड है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमने एलिमिनेट कर दिया, वो कैसे, कि ये दोनों हमारे किसके लिए हैं, इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन और इनिशियल ऑब्जर्वेशन केयर के कोड हैं ये, ठीक है। अभी अपने पास ऑप्शन रह गया सी और ऑप्शन रह गया डी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लो एमडीएम हमारा ऑप्शन, तो इन दोनों ही देखो 99234 और 99234 दोनों ही ऑप्शन जो है सी 234 है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ एमडीएम हमारा जो आंसर रहेगा वो यही है, ठीक है। तो अपन को क्या चेक करना है, अपन को चेक करना है क्या चीज, आईसीडी। तो आईसीडी कवर्ड का हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया आपको यूज करना है।